डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी मेट दिल्ली चैनल। और आज की जो वीडियो है वो क्लास नाइन्थ के सामाजिक विज्ञान के छात्रों के लिए है और वह है असेसमेंट वर्कशीट 4, और जो 1 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। तो बच्चों बता दूं, अभी तक अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये जो वर्कशीट है असेसमेंट की, यह अधिकतम 20 अंक की है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों पर सही का निशान लगाना है और 5 बहुविकल्पी प्रश्न हैं ऑप्शनल, जो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। तो इसमें एक गद्यांश दिया, भारत का भौतिक मानचित्र देश के अंदर स्थित प्रमुख भौतिक लक्षणों को दिखाता है, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ भी दिखाता है। ठीक है, जो भौतिक मानचित्र है बच्चों वो भौतिक लक्षणों को दिखाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी दिखाता है। यह विशेष लक्षणों को विभिन्न रंगों से दिखाता है, जैसे कि जल को नीले रंग से, मैदान को हरे रंग से और पर्वतों को भूरे रंग से। देखिए, जल को किस रंग से दर्शाया जाता है? नीले रंग से। पर्वतों को भूरे रंग से और जो मैदान है उसको हरे रंग से दर्शाते हैं। भारत के 6 प्रमुख भौतिक लक्षण हैं और इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख भौतिक विशेषताएं और जैसे कि नदियां, झीलें आदि भी हैं। जो 6 प्रमुख भौतिक लक्षण हैं, देखिए उसमें बताया गया आपको, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, मरुस्थली भाग 3 हो गए, फिर जो है प्रायद्वीपी पठारी भाग 4 हो गए, 5वां तटीय मैदान और 6ठा और लास्ट जो है द्वीप समूह। तो इस तरीके से भाग होते हैं। और देखिए, दूसरी ओर भारत का राजनीतिक मानचित्र राज्य और उनकी सीमाओं को दिखाता है। देखिए, भौतिक जो मानचित्र हैं वो भौतिक लक्षणों को दिखा रहा है, पर्वत, नदी, मैदान, ठीक है। और जो राजनीतिक मानचित्र बच्चों वो राज्य और उनकी सीमाओं को दिखाता है, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और पड़ोसी राज्यों को भी दिखाता है और यह विभिन्न रंगों में हो सकते हैं। हमने देखा कि जो भौतिक मानचित्र है बच्चों वो भौतिक लक्षणों को दिखाया, जिसमें हमने देखा कि जल, मैदान, पर्वत, नदियाँ, झीलें ये सब दिखाई जा रही हैं। और जो राजनीतिक मानचित्र हैं उसमें हम राज्य और उनकी सीमाओं को दिखाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और पड़ोसी राज्यों को भी दिखाते हैं और इसमें भी विभिन्न रंगों से उसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। जो पहला प्रश्न है वह है, कौन सा मानचित्र भारत के मैदानों, मरुस्थल और पर्वतों को दिखाता है? तो आपको बताया गया कि देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, उपयुक्त दोनों और उनमें से कोई नहीं, तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है, भौतिक मानचित्र, यह बिल्कुल सही है। चूँकि जो भौतिक मानचित्र है बच्चों वो मैदान, मरुस्थल और पर्वत तीनों को दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, अन्य देशों के साथ लगने वाले सीमाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। किसी भौतिक मानचित्र में इनमें से कौन सा रंग जल वाले क्षेत्र को दिखाता है? तो जल को देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है लाल, भूरा, हरा, नीला। तो नीला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। और भारत के कितने भौतिक विभाग हैं? तो बच्चों ऑप्शन है 6, 5, 4, 3। तो जो भौतिक विभाग हैं वो कुल 6 है, तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। और 5वां प्रश्न है, भारत का कौन सा मानचित्र राज्य और उनकी सीमाओं को दिखाता है? तो इसमें ऑप्शन है राजनीतिक, भौतिक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो बात हो राज्य और उनकी सीमाओं को दिखाता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, राजनीतिक। तो आइए एक बार फिर से हम उत्तर को देखते हैं। पहले प्रश्न में जो है उसका जो सही आंसर है वो है भौतिक, बी ऑप्शन। दूसरे में सी ऑप्शन सही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तीसरे का डी ऑप्शन सही है, नीला। चौथे का ए ऑप्शन जो 6 है वो सही है। और 5वां जो प्रश्न है, भारत का कौन सा मानचित्र राज्य उसकी सीमाओं को दिखाता है, तो इसमें जो आपका ए ऑप्शन सही है, राजनीतिक।
तो आपको ए ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। और इसमें आगे है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे आपको 3 नंबर के हैं, ठीक है। भारत के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्या महत्व है? तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन संख्या नहीं पड़ी है और क्वेश्चन संख्या थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इस वजह से यहाँ पे जो उसके सामने मैंने लिख रखा है वो असही है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्या महत्व है? 7 है, भारत के किन्हीं 3 भौतिक लक्षणों के नाम लिखना है? 7वां है, देखिए जो 8वां प्रश्न है वो है भारत के किन्हीं 3 राज्यों के नाम और उनकी राजधानियों के नाम लिखने हैं। और 9वां प्रश्न है प्रवाल क्या है वर्णन कीजिए। और 10वां है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या अंतर है? तो आइए अब इनके एक एक करके इनके उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 है, भारत के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्या महत्व है? तो इसमें लिखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के लिए सामरिक महत्व के हैं और यह भारत के भौतिक क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं। यहाँ के भारत अपने सीमाओं की निगरानी करता है, जो यहाँ से क्या करता है भारत अपनी सीमाओं की निगरानी करता है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, भारत के किन्हीं 3 भौतिक विभागों के नाम लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं पहला उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा उत्तर का मैदान और तीसरा समुद्र तटीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, भारत के किन्हीं 3 राज्यों के नाम उनकी राजधानियों के नाम एक साथ लिखना है। तो बच्चों इसमें आप पहला लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, राजस्थान की राजधानी जयपुर और तीसरा गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और अगला प्रश्न है बच्चों प्रवाल क्या है वर्णन कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे प्रवाल पॉलिप कहे जाने वाले छोटे जीव की एक श्रृंखला है जिसमें हजारों लाखों जीव रहते हैं और यह कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर दीवार क्या करते हैं बनाते हैं। और लास्ट प्रश्न है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में क्या प्रमुख अंतर है? तो आइए हम इसे देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल निक्षेप से हुआ है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक निमज्जित पर्वत के ऊपरी भाग हैं। तो इस प्रकार आज की ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। इसमें कुल 10 प्रश्न थे और टोटल 20 अंक के हैं। तो इस आधार पे आपके ये वीडियो अच्छे से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।